हाँ तो अच्छा जी, लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले तो मानेंगे नहीं, फिर अब क्या किया जाए? ठहरिए, लेकिन वो एक दूसरे से चैट करते रहते हैं, हाल चाल चाल पूछने तक, कभी कोई फाहश बात नहीं की। शादी करने का दोनों का इरादा है। अच्छा नहीं, ये पहले में आपने कहा कि शादी करने का इरादा है, घर वाले ना भी माने तब भी, और दूसरे में आपने कहा है कि क्या वो दीन की बुनियाद पर अपनी दोस्ती को शादी के बगैर भी बरकरार रख सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मर्द और औरत की जो दोस्ती है ना, वो है ही नहीं है। ये मैं आपको अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन इतनी पावरफुल रखी है कि ये आप देख लीजिए कि हमारे सगे बाप भाई होते हैं ना, चचा मामू, जिनके साथ इंसान का हुरमत का रिश्ता होता है, समटाइम्स अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि लोग उसके अंदर अपनी अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत ही खौफनाक केस मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस का है। उसमें उस बच्चे लड़का था को 17-18 साल का, तो माँ की तरफ वो बेचारा हो जाता था और ख़ुद वो इतना परेशान था अपनी इसकी वजह से कि वो खुदकुशी करने पे आया हुआ था। तो अल्लाह ने ये इतनी ज़्यादा जो अट्रैक्शन रखी है ना, इसी की वजह से तो इतनी मोहब्बत होती है ना, कि देखें दो मर्द और औरत जो हैं वो अपना एक घर बनाते हैं और सारी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो बात असल में ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और वैसे लोग ज़्यादातर इस मामले में मर्दों को मतून करते हैं। मर्दों को मतून इसलिए वो कर लेते हैं कि मर्दों की ज़रा थोड़ी सी अप्रोच इसके बारे में डायरेक्ट होती है, लेकिन औरतों को भी मतून बिल्कुल उसी तरह किया जा सकता है। वो समझें कि हम ऐसा नहीं कह रही, ऐसा नहीं चाह रही, ऐसा नहीं कर रही, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बाकी इतना है कि चूंकि उनकी बहुत अप्रोच डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, तो समटाइम्स उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। ऐसा होगा नहीं। और हदीस में आता है कि आपने ये जो रिश्ता चैटिंग बरकरार रखने का कहा है, इसके बारे में देखें आजकल की जो फेसबुक की चैट रूम की जो चैटिंग है, इसके बारे में उलमा ने इसको बिल्कुल फिजिकल चैटिंग के ऊपर रखा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मर्द और औरत तन्हाई में हो तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। तो फिर आ गई बात तो वही, तो ये वाली तो उसकी कोई तुक ताल्लुक बनती नहीं है, इल्ला ये कि आप अपनी चैटिंग को ओपन रखें जो सबके सामने हो रही है। और वो भी मैं कहूँगी कि आप इस जगह पे ना ही रखें, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मसला ये है कि शादी होने का इम्कान ही नहीं है। तो प्लीज़ एक दूसरे पर रहम कीजिए, एक दूसरे को इस आजमाइश में ना डालें और ना ही उस रास्ते पर आगे चले। मुझे पता है कि तकलीफ़ दे होगा, लेकिन ये है कि शुरू में करना कम तकलीफ़ दे होगा, छोड़ देना इसको आगे ले जाके छोड़ देना और तकलीफ़ दे होगा। तो ये है कि जब तक आपकी कोई ताल्लुक बन नहीं जाता, निकाह नहीं हो जाता, जब तक प्लीज़ इस जगह पे पैर ना डालें। और गुनाह की बात मैंने आपको बता दी है।